खेसारी लाल यादव और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है। हमने आपको बहुत पहले ही कहा है, खेसारी कुछ करे न करे कंट्रोवर्सी पहले क्रिएट हो जाती है। खेसारी के एक नए साल के गाने ने तबाही मचा कर रखी है और उस गाने का नाम है धमाका होई आरा में। जी हाँ, ये गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और ये गाना हम भोजपुरी पे, सारे गामा हम भोजपुरी पर रिलीज़ किया गया है। वाकई गाना बहुत बेहतरीन है। जो लोग कंट्रोवर्सी करते हैं उनके लिए ये हम कहेंगे कि ये गाना सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बेहतरीन गाना है। सिर्फ एक प्लेस का नाम ले लेने से कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हो जाती। और आपको बता दें कि ये सिर्फ जैसे गानों में, बॉलीवुड के सॉन्ग में बरेली का नाम ले लिया जाता था, दिल्ली का नाम ले लिया जाता है, मुंबई का नाम ले लिया जाता है, वैसे ही इस पर्टिकुलर एक प्लेस का नाम लिया गया है आरा, जहां से बिलोंग करते हैं पवन सिंह। और पवन सिंह के फैंस को लगता है कि खेसारी हर समय पवन सिंह को नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि पवन और खेसारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अच्छे रिलेशन पर हैं, एक अच्छे नोट पर हैं। और उन दोनों में 2 महीने तक बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग देखी गई लंदन में। साथ ही खेसारी लाल यादव ने कई बार ये कहा है कि पवन उनके बड़े भाई हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं पवन के ख़िलाफ़। तो आप सभी जानते हैं कि अगर ये सिर्फ एक गाना है तो खेसारी के इस गाने का लुत्फ़ सभी उठाइए। साथ ही अगर आपने अभी तक ये गाना नहीं देखा है तो हम आपको कह देते हैं कि ये हम भोजपुरी पर रिलीज़ हुआ है, 2 घंटे में 2.5 लाख व्यूज़ गया है, लोगों को ये बहुत पसंद आ रहा है। और आप भी जाइए, ये इस गाने का लुत्फ़ उठाइए। बहुत ही खूबसूरत खेसारी का पहला न्यू ईयर सॉन्ग है। अभी 3 सॉन्ग और आने बाकी हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।